आज के दिन मेरे पास फूल नहीं, मैं शब्द उन्हें चढ़ाता हूँ जिनकी जान था। नाम जिसका हिंदुस्तान मजहब, नाम जिसका हिंदुस्तानी मजहब हिंदुस्तान। रक्त से रंगते थे धरती को दुश्मनों के ललकार पर, रक्त से रंगते थे इस धरती को दुश्मनों की ललकार पर। जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। बदन में बंधी की बेड़ियां, बदन पर बंधी की बेड़ियां, दिल मगर आजाद था और रक्त के अंतिम कतरे कतरे में भी भारत जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद था। आदरणीय गुर्जर बिंद, मेरे सम्मुख बैठी सभी मातृशक्ति को मैं नमन एवं प्रणाम करता हूँ। मेरे भारत के युवा साथियों, आज का दिन कोई महोत्सव का दिन नहीं, क्योंकि आज वो अखंड भारत का विभाजन हो गया, दो मुल्क का निर्माण हुआ, एक का नाम पाकिस्तान और एक का नाम हिंदुस्तान। ये वो भारत नहीं था जिसकी परिकल्पना हमारे देशवासियों ने, हमारे शहीदों ने, हमारे महापुरुषों ने की। ये वो देश था जो हाल ही में अगस्त में बना। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 6 अगस्त 1947 से लेकर के 14 अगस्त 1947 के बीच में हो रहे कत्लेआम को हम कभी भूल नहीं सकते। वो दर्द जो अभी तक हमारे अंदर है, आप उनसे पूछिए जो उस दौर से गुजर चुके। हम तो यहाँ बैठ करके केवल भाषण कर रहे हैं, उनको समझने जानने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी पुरानी गलतियों को ना दोहराने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु वो संवेदनाएं हम नहीं प्रकट कर सकते जो उन्होंने सही। 18 जुलाई 1947 को जब माउंटबेटन प्लान भारत से सहमति पाता है, तो क्लेमेंट लिंकन ब्रिटेन के कैबिनेट में बैठ करके बोलते हैं दैट वी हैव लेफ्ट नो चॉइस वेदर टू डिवाइड इंडिया इन पाकिस्तान एंड इंडिया विद टू गवर्नमेंट एंड टू कॉन्स्टिट्यूशन वर्किंग इंडिविजुअल फॉर द ग्रोथ ऑफ द नेशन। सोचिए एक ऐसा भारत जो 1920 में खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिंदू और मुसलमान तथा सिख और ईसाई की एकजुटता को दिखाता था, वो वही भारत था जो आज 14 अगस्त को विभाजित हो चुका था। ये वही भारत था जिसने पहले सभी संस्कृतियों को अपने अंदर पालने में रखा था। ये वही भारत था जो हर भाषा को, हर समुदाय को अपने सर के ताज बनाकर रखता था। ये वही भारत था। क्या हुआ था इस भारत को, क्यों हम समुदायों में बट गए, क्यों हमारी एकता अखंडता टूट गई। जहां विश्व को हम ये सिखाते थे कि सत्याग्रह जैसा आंदोलन जहां शांति और सौहार्द से हम कोई भी लड़ाई जीत सकते हैं, बड़े से बड़े ब्रिटिश साम्राज्य को भी हरा सकते हैं, आज वही भारत 14 अगस्त को विश्व को दिखा रहा था कि वही हमारे प्रिंसिपल आज टूट गए। इतने सालों के बाद, 76 सालों के बाद हमें अगर उसका ग्लिम्प्स देखने को मिलता तो मणिपुर में जहां पे बेटियों महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ, जिसको मैं बोलते नहीं आप कांप रहा। आपको ये समझना होगा कि जिस देश में हम माताओं को पूजते हैं, मैं बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि आज माताओं बहनों की वजह से ही हम पुरुषों का अस्तित्व है। मैं कहूंगा कि आज उन्हीं की वजह से हम यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि जिस बचपन को हमने जिया है वो एक माता की गोद में था। जो रक्षा करती है वो हमारी बहन है। समय बहुत कम है, लास्ट में बस 2 लाइन मैं बोलना चाहूंगा। जो महान पुरुष थे उन्होंने हमें संविधान दिया, और संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं था, वो उनका एक दिशा निर्देश था कि वास्तव में भविष्य में हम किसी भी प्रकार का ऐसा काला सच कार्य इतिहास भारत के इतिहास को दोबारा न दोहराए। इसीलिए फंडामेंटल राइट हम हमारे यहाँ दिए गए। 4 लाइन में व्यक्त करके मैं समाप्त करूंगा कि उन्होंने हमें क्या दिया, सौंप दिया भारत का अभिमान तुम्हारे हाथों में। हम युवाओं के हाथों में सौंप दिया भारत का अभिमान तुम्हारी हाथों में, सौंप दिया मां संसद का मान तुम्हारी हाथों में। अरे सौंप दिया है शाम तिरंगे की, सौंप दिया है शाम तिरंगे की, और गोखले गांधी भगत जी का ज्ञान तुम्हारी हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारी हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारी हाथों में। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।